तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डायूरेटिक्स आर ड्रग दैट प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। सोडियम और वाटर को रिलीज कराएं यूरिन में, उसको बोलते हैं डायूरेटिक्स। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम एक तरीके से कम करा रहे हैं। फिर डायूरेटिक्स केडीटी में अपना क्लासिफिकेशन दिया, तो उसमें तीन टाइप में डिवाइड किया, हाई सीलिंग, मीडियम सीलिंग और वीक 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 डायूरेटिक्स। ठीक है, तो हाई सीलिंग में अपने आ जाते हैं जो सोडियम पोटेशियम और ये क्लोरीन को ब्लॉक कर रहे हैं ना, अपने लूप डायूरेटिक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड, टोरेसेमाइड, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। फिर आता है मीडियम एफिकेसी, मीडियम वाले में अपना आ जाएगा थियाजाइड। थियाजाइड के अंदर क्लोरथेलिडोन ना हाइड्रोक्लोर थियाजाइड है ना, अलग अलग ग्रुप में नहीं कर रहे अपने यार। फिर वीक वाले में कार्बोनिक एंडहाइड्रेशन इनहिबिटर आ जाएगा, एसिटाजोलामाइड। ठीक है, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक वाले आ जाएंगे मैनिटोल, आइसोसॉर्बाइड, ग्लिसरॉल। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक को भी अंदर दो में डिवाइड करते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और जो सीधे चैनल पैक्ट करते हैं, तो स्पायरोन इलेक्ट्रॉन, एप्लिनोन, एमिलोराइड और ट्रायमट्रीन। ठीक है, तो ये वाला क्लासिफिकेशन, वैसे अंदर की ड्रग्स अपन को याद हो जाएंगे, फिर वाला क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। तो अपन इसके साइट ऑफ एक्शन, सबसे पहले साइट वन पीसीटी, साइट टू थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर थ्री अपना डीसीटी और फोर कलेक्टिंग ड्रग। सबसे पहले पीसीटी जो साइट वन में एक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जो कि एसिटाजोलामाइड और पीसीटी में एक्ट करेगा। फिर थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले अपना लूप डायरेक्टली सेट करते हैं फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड। ठीक है, डीसीटी में कौन एक्ट करेगा? अपने थियाजाइड, क्लोरथियाजाइड। ठीक है, ड्रग जो कलेक्टिंग ड्रग और डीसीटी, लेट डीसीटी में एक्ट करते हैं, वो अपने स्पायरोन इलेक्ट्रॉन, एमिलोराइड है ना, पोटेशियम स्पेयरिंग वाले। और जो पूरे न्यूरॉन में एक्ट करते हैं, पूरे नेफ्रॉन में एक्ट करते हैं, पूरे नेफ्रॉन में, वो हैं अपने ऑस्मोटिक डायूरेटिक। इनका कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं होती, पूरे नेफ्रॉन में एक्ट करते हैं। फिर अपने वही स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक नेफ्रोटिक्स, अपना पहला है ऑस्मोटिक नेफ्रोटिक। तो ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं और ऑल पार्ट में एक्ट करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैनिटोल, ग्लिसरॉल और आइसोसॉर्बाइड। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए किसी ऑस्मोटिक डायूरेटिक की? एक तो फ्रीली फिल्टर्ड रहे, कोई एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए और रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, और उसके बाद फार्माकोलॉजिकली इनर्ट रहे। ठीक है, तो एक्शन कैसे करता है? सबसे पहले मैनिटोल है, अपन ने उसको इंजेक्ट किया, जिससे क्या करेगा? ऑस्मोलरिटी बढ़ाएगा प्लाज्मा की, ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी प्लाज्मा की, तो जो अंदर से फ्लूड है ना, इंटरसेलुलर फ्लूड कंपार्टमेंट, इंटरसेलुलर फ्लूड था वो बाहर आ जाएगा, तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड में आ जाएगा, इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट से बाहर आ गया फ्लूड। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी, जीएफआर बढ़ेगा है ना, जीएफआर बढ़ेगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए सोडियम और वाटर का लॉस होगा। ठीक है, तो जीएफआर बढ़ने सोडियम और वाटर का लॉस हुआ, सोडियम वाटर का लॉस होगा तो यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगी, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड, सब सब सबका लॉस होगा। ठीक है, एक्सक्रीशन होगा सबका। ठीक है, तो ऐसे एक्ट करता है ना, ये क्या करेगा? फ्लूड को खींचेगा और बाहर निकालेगा। ठीक है, और इसका कोई भी किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं है, सारे सेगमेंट में सेम इफेक्ट है, और ऑस्मोलैरिटी से एक्ट कर रहा है। ठीक है, यूजेज में अपना ग्लूकोमा आ जाएगा, जो कि इंट्राकुलर प्रेशर कम करता है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में, तो पहला यूज आएगा ग्लूकोमा। दूसरा था सेरेब्रल एडिमा, ये इंटरक्रैनियल टेंशन वगैरह कम करेगा, और वहाँ से भी सेरेब्रल एडिमा हो गया तो वहाँ से फ्लूड निकाल के उसको कम कर देगा एडिमा को। फिर इंसिफिशियंट रीनल फेलियर में, पार्शियल रीनल फेलियर में भी काम आता है, और क्या करेगा? प्रिवेंट रीनल फेलियर इन शॉक, सीवियर सर्जरी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो ये रीनल फेलियर को भी कम करता है। ठीक है, तो कुल मिला के चार यूजेस हो गए ऑस्मोटिक के। फिर एडवर्स इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक आ जाएगा। ग्लिसरॉल जो है वो अपना हाइपरकैल्सीमिया करा सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया सॉरी। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन में अपना सीसीएफ, पल्मोनरी इडीमा और सेरेब्रल हेमरेज, इसमें नहीं, सेरेब्रल इडीमा में यूज होता है और सेरेब्रल हेमरेज में नहीं होता। सेरेब्रल हेमरेज इसमें नहीं देते कि जो ब्लड वेसल है वो फट गई है, जैसे हेमरेज हुआ तो कुछ कट लग गया होगा, जो मैनिटोल है वो अंदर चला जाएगा, और अंदर चला जाएगा तो और ज्यादा इडीमा करा देगा, तो और ज्यादा सीवियर केस हो सकता है, तो अपन सेरेब्रल हेमरेज में नहीं देते। फिर नेक्स्ट आता अपना डायूरेटिक्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, इसमें क्या होता है? ये पीसीटी में एक्ट करता है, इसके एग्जांपल एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डोर्जोलामाइड। ठीक है, तो अपन ये देते हैं, इसका एक्शन, इसका देखो कैसे एक्ट करता है। तो देखो, ये ट्यूबुलर फ्लूड, ये ट्यूबुलर सेल और ये ब्लड हो गया। ठीक है, ये फ्लूड ल्यूमेन है, यहाँ पर क्या था, ये SCO3- और H+ है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम और SCO3- का रिएब्जॉर्प्शन करवाना था, तो अपन देखते कैसे शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पर H2CO3 बना दो, H2CO3 है ल्यूमेन में, H2CO3 से कार्बोनिक एनहाइड्रेस को H2CO2 में तोड़ देगा, फिर CO2 और H2 अंदर जाएगा, यहाँ छूटेगा H2CO3 में, H+ अलग और SCO3- अलग, SCO3- यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और H+ यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर सोडियम जो था वो कहाँ से आया था, NaSCO3 से, Na+ से यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा और यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन यही हुआ कि यहाँ पर Na+ था, ठीक है, इसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पर और H+ से एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है वो किस पे डिपेंडेंट हो रही है, कैल्शियम एनहाइड्रेज है जो वो तोड़ रहा है H2CO3 को H2O CO2 में कन्वर्ट कर रहा है, फिर यहाँ से CO2 H2 अंदर आ रहा है, H2CO3 में जा रहा है, SCO3- रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। ऐसे ही इसका सोडियम का भी ऐसे ही है कि NaSCO3 था, Na+ निकला, SCO3- बना, साथ में जुड़े ये है ना, यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस लगता है। ठीक है, तो अगर अपन कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देंगे तो ये पूरी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो ना सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा ना बाइकार्बोनेट का, तो दोनों का लॉस हो जाएगा। इफ वी इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेस देन सोडियम एंड बाइकार्बोनेट नॉट रीअब्जॉर्ब, तो सोडियम का लॉस होगा तो डायूरेटिक इफेक्ट आएगा, और बाइकार्बोनेट का लॉस होगा तो यूरिन एल्कोलाइसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा।
और ये सेल्फ लिमिटिंग एक्शन होता है इनका, है ना, तो इसके लिए लो सीलिंग डायुरेटिक बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। फिर आते कार्बोनेट एनहाइड्रेस इनहिबिटर आर नॉन कॉम्पिटेटिव एंड रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। ये आ गई लाइन समझ में कि नॉन कॉम्पिटेटिव होते हैं, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। फिर इनका यूज़ कहाँ होता है, ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, जो कि इंट्राओकुलर प्रेशर कम करेगा। एल्कनाइज द यूरिन इन एसिड ड्रग पॉइजनिंग, जब एसिड ड्रग पॉइजनिंग हो जाएगी तो एल्कनाइजेशन करा देगा यूरिन का, कैसे, बाइकार्बोनेट बढ़ा देता है, मतलब यूरिन में बाइकार्बोनेट बढ़ा देता है। फिर माउंटेन सिकनेस में भी काम आता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ इन प्रोफाइल एक्सेस, कैसे आता है माउंटेन सिकनेस में, जब हाई अल्टीट्यूड में जाता है पर्सन तो पी जो पार्ट्स ऑफ प्लेशर ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है, उसके वजह से क्या होगा कि जो बॉडी हाइपर वेंटिलेशन करेगी, ज़्यादा सी ओ टू बाहर निकालेगी, तो सी ओ टू बाहर निकलेगी, सी ओ टू कम होगा, उस वजह से हो जाएगा अपना ब्लड एल्कलाइन, ठीक है। ब्लड एल्कलाइन हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, यूरिन को क्या कर देंगे, एल्कलाइन कर देंगे, जिससे कि जो ब्लड है अपना एसिडोस, उल्टा होता ना, जब यूरिन एल्कलोसिस होगा यूरिन में तो अपने ब्लड में क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। तो अपन सो बाई कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटिंग SCO3- लॉस देन ब्लड बिकम नॉर्मल, तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है SCO3- का लॉस करा देंगे, जिससे कि क्या होगा, ब्लड में अपने नॉर्मल हो जाएगा, जो लेवल है एसिड बेस का वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे मैकेनिज्म समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आ गई तो ये तो लिखना ही माउंटेन सिकनेस। फिर नेक्स्ट एपिलेप्सी में भी काम आता है, ठीक है। तो ये चार यूज हो गए अपने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के। फिर एडवर्स इफेक्ट आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्किन रैशेस, फीवर, नेफ्राइटिस, ड्राउजीनेस, पैरेस्थीसिया, हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हेडेक, रीनल स्टोन, ये सर इतने सारे साइड इफेक्ट हैं, कोई भी चार पांच याद कर लेना। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका होता है लीवर डिसीज और COPD में, ठीक है, इसको अपन इसमें यूज नहीं करते। फिर नेक्स्ट आता है लूप डायुरेटिक, हाई सीलिंग डायुरेटिक बोलते हैं, दे एक्ट ऑन थिक असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो इसमें एक चैनल होता है सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन, तो इन सबको ये क्या करता है, रीअब्जॉर्व करवाता है ना, तो अगर ये बंद हो जाएगा तो इनका एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें आता है फ्यूरोसेमाइड, टोरसेमाइड, ये दोनों याद करने हैं। किसमें काम आएगा, एक तो इडीमा में काम आएगा, एक्यूट पल्मोनरी इडीमा में काम आएगा, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में काम आएगा, थियाजाइड अपने नॉर्मल हाइपरटेंशन में काम आता है, ये लूप डायुरेटिक्स हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्शियमिया, है ना, तो ये क्या करता है, जो लूप डायुरेटिक है वो कैल्शियम का लॉस कराता है, तो हाइपरकैल्शियमिया के ट्रीटमेंट में काम आ जाएगा। ब्रोमीन एंड आयोडीन पॉइजनिंग, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, क्लोरीन का भी लॉस करा रहा है ना, तो पॉइजनिंग होगी तो ब्रोमीन और आयोडीन का भी लॉस हो जाएगा, तो इसके पॉइजनिंग में काम आ जाएगा। तो देखो कैसे ये करवाता है पल्मोनरी एडिमा रिलीफ, सबसे पहले फ्यूरोसेमाइड जो है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बढ़वा देगा, उससे वैसोडायलेशन होगा, वैसोडायलेशन प्रीलोड आफ्टर लोड कम हो जाएगा, प्रीलोड आफ्टर लोड कम होगा तो जो ब्लड है ना पल्मोनरी सर्कुलेशन से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है, और वहां जाके क्या कराएगा, ये पल्मोनरी एडिमा से रिलीफ करा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट में है कि इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कराता है ये, है ना, तो इसमें तीन है, सबसे पहले इफेक्ट हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम कम करा रहा है, ठीक है, जैसे कि फटेग, मस्कुलर वीकनेस और कार्डियक अरिथमिया हो जाएगा, और हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का भी लॉस करा रहा है तो हाइपोनेट्रीमिया, कैल्शियम का लॉस करा रहा है हाइपोमैग्नीशिया हाइपोकैल्शियमिया, और मैग्नीशियम का लॉस करा रहा है हाइपोमैग्नीशिमिया, ठीक है, तो जितने भी हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सबका लॉस करा रहा है, तो सब में हाइपोकैल्शियमिया करा रहा है, और सब में अरिथमिया वगैरह करा देगा, सबका लेवल कम होगा। तो फिर ये तो थे अपने कौन से, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, फिर कुछ मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस भी कर रहा है, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, है ना, हाइपर यूरिसीमिया और हाइपर लिपिडीमिया, तो ये तीन भी करा रहा है। फिर नेक्स्ट ये होता है ऑटोटॉक्सिक भी होता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कराता था, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में स्किन रैशेस, यूसिनोफिलिया, फोटो सेंसिटिविटी मिलेगी, ऑटोटॉक्सिसिटी में ये हेयर सेल्स को डैमेज करता है, जैसे डेफनेस, वर्टिको और टिनाइटिस हो सकता है, ठीक है। फिर अपने आते ड्रग इंट्रैक्शन है, सबसे पहले फ्यूरोसेमाइड, थियाजाइड जो है अपने डाइजॉक्सिन के साथ देंगे, तो फ्यूरोसेमाइड क्या करता है, हाइपोकैलेमिया करता है, हाइपोकैलेमिया जो है डिजिटॉक्सिन की टॉक्सिटी बढ़ा सकता है, याद करो जो डिजिटॉक्सिन की टॉक्सिटी में फैक्टर थे हाइपोकैलेमिया था, जो डिजिटॉक्सिन की टॉक्सिटी बढ़ा रहा था, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। फ्यूरोसेमाइड और डाइजॉक्सिन दे देंगे, अगर फ्यूरोसेमाइड और अमाइनोग्लाइकोसाइड दे देंगे तो दोनों ऑटोटॉक्सिक हैं, दोनों ऑटोटॉक्सिन टॉक्सिटी पर बढ़ जाएगा। फिर फ्यूरोसेमाइड और अमिलोराइड, फ्यूरोसेमाइड जो है हाइपोकैलेमिया कराता है और ये अमिलोराइड है पोटेशियम स्पेयरिंग है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम करेंगे, तो अपन साथ में दे सकते हैं ना, पोटेशियम को कंपनसेट कर रहे हैं ना। फिर अपना नेक्स्ट आता है थियाजाइड, थियाजाइड जो है अपना डिस्टल टिब्यूल में एक्ट करेगा, है ना, DCT में एक्ट करेगा, और वहां पर क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम का जो सिम्पोर्ट होता है ना उसको इनिबिट करेगा, तो सोडियम और सोडियम पोटेशियम नहीं, सोडियम और क्लोरीन के जो सिम्पोर्ट है उसको इनिबिट करेगा, ठीक है, तो जो सोडियम है वो अपना रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, तो सोडियम और क्लोरीन एक्सक्रीट ज्यादा होंगे, ठीक है, तो ये अपना एक्शन करेगा। तो इसमें आता है हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, मीथियाजाइड, इंडापामाइड और जिपामाइड, ठीक है। यूजेस में आता है इसका हाइपरटेंशन में यूज होगा, अपना वो था लूप डायुरेटिक्स जो हाइपरटेंशन इमरजेंसी में यूज रहा था, ये थियाजाइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, सारी स्टेजेस में यूज हो सकता है, है ना। फिर आता इडीमा में कर सकते हैं अपन इसको यूज, ऑस्टियोपोरोसिस में कर सकते हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस में यूज इसलिए करते हैं, ये क्या करता है, कैल्शियम का लॉस नहीं होना चाहिए, लूप डायुरेटिक्स में कैल्शियम का लॉस होता है, इसमें कैल्शियम का लॉस नहीं होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रोमीन और आयोडीन पॉइजनिंग उसी के जैसे ही है। डायबिटीज इंसिपिडस में भी काम आता है ना, डायबिटीज इंसिपिडस की मैकेनिज्म दे रखी है बुक में, वो थोड़ा देख लेना।
रहता है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में सेम इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस, जैसे कि अपने लूप डायुरेटिक में इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस से सेम लिखना है। बस इसमें क्या है कि कैल्शियम जो था उसमें क्या हो रहा था, कैल्शियम का लॉस हो रहा था, इसमें कैल्शियम का लॉस नहीं होता, हाइपर कैल्शियमिया होगा इसमें, ठीक है। फिर और साइड इफेक्ट कैन दे कैन कॉज इंपोर्टेंस एंड हेंस थियाजाइड आर नॉट प्रेफर्ड फॉर द एंटी हाइपरटेंसिव इन यंग मेल्स। यंग मेल्स में नहीं देते क्योंकि इंपोर्टेंस ही करा देता है मेल्स में, ठीक है। और अदर हैं स्किन रैशेस, फोटो सेंसिटिविटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस लाइक नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया करा देगा ये, ठीक है। तो ये अदर सिम्टम्स में आ गए, तो ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स समझ में आ गए। फिर जो ये डायुरेटिक्स है ना, शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। डायुरेटिक्स को अपन प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं ना, अपन ने देखा था हाइपरटेंशन वाली वीडियो में, उसमें प्रेगनेंसी में जो जो ड्रग्स थी जो नहीं देते थे प्रेगनेंसी में, उसमें डायुरेटिक भी थी, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस द प्लेसेंटल परफ्यूजन बाय डिक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम विच कैन कॉज फेटल डेथ। तो इसमें फीटल डेथ करा देगा, क्यों, क्योंकि ये ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, लॉस करा रहा ना, जिस वजह से परफ्यूजन कम हो जाएगा फीटस में और उसमें उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था अपना थियाजाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक, ये कलेक्टिंग डक्ट पैक्ट करता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता था कि ये क्या करता है, सोडियम को अपने सेल के अंदर रिस्टोर कराता, मतलब उसका रिएब्जॉर्प्शन कराता, पोटेशियम और हाइड्रोजन का लॉस कराता था। पर ये अगर चैनल बंद हो जाएगा तो क्या होगा, सोडियम का लॉस होगा और पोटेशियम और हाइड्रोजन का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक, क्योंकि ये पोटेशियम को लॉस नहीं होने देता है। बाकी जो से थियाजाइड लूप डायुरेटिक्स वो पोटेशियम को लॉस करा रहे थे, ठीक है, पोटेशियम को लॉस नहीं कराएगा। तो ये एक तो एल्डोस्ट्रॉन ये इस चैनल पर एड करके इसको एक्टिवेट करता है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो अगर अपन इसको जोड़ने से रोक देंगे तो एक ये प्रोसेस से रोक सकते हैं। एक क्या है कि अपन डायरेक्ट ये सोडियम को अगर बंद कर देंगे, चैनल पर डायरेक्ट एड कर रहा है, ठीक है, एपिथीलियम सोडियम चैनल ब्लॉक कर रहे हैं, सही सीधे इस पर चैनल पर एड कर रहा है। तो अगर इसको ब्लॉक कर देंगे तब भी अपन इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है, पूरे चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप में ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, तो एल्डोस्टेरोन का जो रिसेप्टर है उस पर एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, स्पायरोनोलैक्टोन और एप्लीरोनोन, ये आ गया। फिर एपिथीलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर, एपिथीलियल ये सोडियम चैनल है ना, इस पर ब्लॉक कर रहा है, जैसे कि अमीलोराइड और ट्राइमटेरोन, ठीक है। फिर इसके यूजेस क्या है, एक तो कोचिंग सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हैं, सिरोसिस में यूज़ कर सकते हैं, हाइपोकैलेमिया कम करेगा क्योंकि ये पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में काम आ सकता है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में काम आ सकता है, ठीक है। तो ये इतने सारे इसके यूज़ हो गए। फिर एडवर्स इफेक्ट में क्या है कि हाइपरकैलेमिया कराएगा, पोटेशियम ज़्यादा अंदर रख लेगा तो वो हाइपरकैलेमिया होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फिर उसके बाद पेप्टिक अल्सर, ड्राउजीनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, मेंटल डिस्टर्बेंस, ये सब हो सकता है। फिर कुछ स्पेसिफिक जैसे गायनेकोमेस्टिया एंड डिक्रीज लिबिडो, ये अपने एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के साथ देखते हैं, मेनली स्पायरोनोलैक्टोन के साथ देखते हैं, एंटी एड्रेनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो था अपना पूरे डायुरेटिक में था, देखो पूरे डायुरेटिक एक साथ 20 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो वो कर लेना एक एक सारे सबके मैकेनिज्म, सबके यूजेस, सबके एडवर्स इफेक्ट थोड़ा थोड़ा देख लेना है ना, क्या क्या किस किस इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में यूज़ नहीं करते हैं, किस किस के साथ करते हैं ड्रग इंट्रेक्शन वगैरह, तो एक साथ कर लेना। और या फिर सबसे ज़्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लूप डायुरेटिक्स है, लूप डायुरेटिक्स की एक भी चीज़ मत भूलना, सारे उसके ड्रग इंट्रेक्शन यूजेस सब कुछ कर लेना, ठीक है। थैंक यू।